जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। इसके साथ ही हरियाणा में भी आज विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग आज ही उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान आज संभव है। 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस साल जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें मुख्यतः जम्मू कश्मीर की चर्चा काफी हो रही है क्योंकि धारा 370 हटने के बाद यहां पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की भी सीटों पर उपचुनाव है। उत्तराखंड की 1 और यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव है, तो उनकी भी तारीखों का ऐलान आज किया जा सकता है। किन सीटों पर उपचुनाव होगा? गाजियाबाद, मझवा, मिर्जापुर की मझवा, सीसामऊ, कानपुर की सीसा, प्रयागराज की फूलपुर सीट पर उपचुनाव होगा, संभल की कुंदरकी पर भी चुनाव होने हैं, उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होगा। तो उत्तराखंड की 1 और यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट भी उनमें से एक, मैनपुरी की करहल पर भी उपचुनाव होगा यूपी में। और अब आपको बताते हैं कि यूपी और उत्तराखंड की किन किन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आइए एक एक करके विस्तार से उन सभी जगहों के नाम आपको बताते हैं जहां पर चुनाव होने हैं। उत्तराखंड की 1 और यूपी की 10 सीटों पर चुनाव होगा। सीएम योगी कल अंबेडकर नगर के दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री कटहरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित रोजगार मेला शुरू करेंगे और स्कूली बच्चों को टैबलेट देंगे। कटहरी के देव इंद्रावती कॉलेज में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम योगी का 10 दिन में यह दूसरा दौरा है। कटहरी में विधानसभा उपचुनाव होने के चलते सीएम योगी के दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। सीएम योगी के दौरे के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं।